Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, इसे कोई ठुकरा नहीं सकता। जो इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही है। जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मृत्यु तो मिलनी ही है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हर इंसान की मृत्यु क्यों होती है और कैसे इस मृत्यु का जन्म हुआ? परमपिता ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी की रचना की और सभी प्राणियों को जीवन दान दिया। लेकिन इस समय हम जीवन की नहीं बल्कि मृत्यु की बात कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने आज से अरबों साल पहले इस सृष्टि की रचना की थी। उन्होंने सृष्टि की रचना के कई करोड़ों साल बाद यह देखा कि पृथ्वी पर जीवन का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। अगर इसे नहीं रोका गया तो पृथ्वी समुद्र तल में डूब जाएगी। और तब ब्रह्मा जी पृथ्वी पर बाहर का संतुलन बनाने के विषय में सोचने लगे। बहुत अधिक सोचने के बाद ब्रह्मा जी को जब कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्हें बेहद क्रोध आ गया, जिसके कारण एक अग्नि प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने उस अग्नि को समस्त संसार को जलाने का आदेश दिया। यह देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे पूछा, हे ब्रह्मा जी, आप इस संसार का विनाश क्यों कर रहे हैं? तब उस समय ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, देवी पृथ्वी जगत के वजन से चिंतित हो रही थी। उनकी इस पीड़ा ने ही मुझे प्राणियों के विनाश के लिए प्रेरित किया है। यह विनाश देखकर भगवान जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और उन्हें कहा, आप इस प्रकार पृथ्वी का विनाश कर देंगे, आप कोई दूसरा उपाय सोचें। यह सुनकर ब्रह्मा जी का क्रोध शांत हुआ और उस समय उनके इंद्रियों में से एक स्त्री उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी ने उस स्त्री को मृत्यु कहकर पुकारा। तो इस तरह संसार में मृत्यु का जन्म हुआ, जिसने धीरे धीरे लोगों के जीवन को पूरा होने पर उन्हें समाप्त किया। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.